सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुनपर 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहीं पर चिकित्सीय विभाग ने भी कमर कस ली है। बात करते हैं ईएसआई सोनीपत की, जहां कोविड की शुरुआत से ही रोजाना कोरोना टेस्ट कर लोगों के इलाज किए जा रहे हैं। डॉक्टर गौरव ने बताया कि हम कोविड के शुरुआत से ही कोविड टेस्ट करने में कार्य कर रहे हैं और आज भी रोजाना लगातार 70 से 80 मरीजों के टेस्ट कर रहे हैं। पहले प्रवासी लोगों का टेस्ट सैंपलिंग करते थे और आजकल ईएसआई सोनीपत में कोविड सैंपलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज ने जनता से अपील की कि सभी मास्क का प्रयोग करें, कोविड को लेकर जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कौशिक, ईएसआई डिस्पेंसरी सोनीपत है। हम यहाँ पर कोविड टेस्ट कर रहे हैं और अराउंड 60 to 70 के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद ही जब रिपोर्ट आती है वो कोविड की, तभी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हमारा यही लगता है कि कोई भी पेशेंट छूटे ना, और मैं पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो मास्क जरूर डालें, दूसरा ज़्यादा भीड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर ना जाए, तीसरा बार बार साबुन से हाथ धोए। हमारे यहाँ ईएसआई डिस्पेंसरी में जो भी पेशेंट आते हैं, फीवर या कफ है जो भी है, फीवर कफ फील ब्रेथलेसनेस, हम जो कोविड का टेस्ट कर रहे हैं उनका, उससे नेक्स्ट डे रिपोर्ट भी आ जाती है, फिर हम उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। रोजाना कितने मरीजों का टेस्ट हो जाता है सर? तकरीबन 70 75।